नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। कक्षा 6, विषय हिंदी, इकाई 2, एक जगत एक लोक, कविता। बच्चों, प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। इस कविता में कहा गया है कि पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और संसार में बहुत सारे देश हैं, जाति है, सब रहती हैं और सब इस धरती पर ही रहते हैं। धरती है वो हम सबकी माता है, अर्थात हम धरती को माँ का दर्जा देते हैं। इसीलिए हम सबको भाई भाई की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है, अर्थात पूरे विश्व में सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहे, इसी भावना को यहाँ पर बताया गया है। आओ बाल मित्रों, पहले हम इस कविता का पठन करते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निशदिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। बच्चों, अब हम इस कविता का गान करेंगे। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा, एक ही पानी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी है। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निशदिन यह मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निशदिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा।
हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। बच्चों आपने कविता का गान सुना ना, अब हम शब्दार्थ सहित कविता का भावार्थ समझेंगे। एक जगत, जगत याने दुनिया, विश्व, लोक याने संसार, मान याने आदर सम्मान, चंद्र याने चंद्रमा शशि, सूर्य याने भास्कर रवि सूरज, भूमि याने धरती धरा वसुधा, आसमान याने गगन आकाश नभ। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। यह जो संसार है ना, किसका है? मानव लोगों का है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान वस्तु के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा पूरे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, उसी तरह दिन में एक सूर्य है पूरे संसार में अपनी रोशनी देता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। अब दूसरी पंक्तियां देखेंगे। एक तेज एक हवा एक ही पानी है, अर्थात तेज याने प्रकाश, हवा याने समीर पवन वायु, पानी याने जल नीर, जीवन याने जिंदगी, फिर सुख दुख और एक कहानी याने कथा, फिर है देह याने शरीर तन काया, रक्त याने रुधिर लहू खून, अस्थि याने हड्डियां, प्राण याने जीव और जान। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। बच्चों हमें मिलने वाला प्रकाश हवा पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं। हमारा शरीर भी एक ही जैसा है और हम सबके रक्त का अर्थात खून का रंग भी एक समान लाल ही है। हमारे शरीर की बनावट यानी हमारे शरीर की संरचना भी एक ही जैसे हड्डियों से बनी हुई है और हमारे शरीर के अंदर प्राण है वह भी एक जैसे हैं। हर्ष याने आनंद खुशी, राग याने गीत, सुहाने मतलब सुंदर अच्छे, समता मतलब समानता और बराबरी, ममता याने प्रेम, तराने याने गीत या गान, गूंजना मतलब चारों तरफ फैलना गाना, निशदिन याने हर रोज दिन रात प्रतिदिन, मधुर याने मीठा, गान याने गीत। बच्चों अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। हम सब मिलकर खुश होकर, मिलकर और खुश होकर आनंद के सुंदर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और परस्पर प्रेम के गीत गाएं, रात दिन घर घर में यही गीत गूंज रहा है कि हम सब एक हैं, एक जगत है और एक लोक है और हम उस लोक के निवासी हैं, अर्थात हम सब एक ही जगत के और एक ही लोक के रहने वाले हैं। बच्चों अब इन लाइनों का भावार्थ देखेंगे। राष्ट्रों मतलब राष्ट्र में, एक्य मतलब एकता, कर्म याने कर्तव्य, प्रगति याने उन्नति विकास, फिर मानवता न्याय, धर्म मतलब हमारा धर्म है, हिल मिल के याने मिलजुल कर, लहराए याने लहराना,
विश्व शांति का निशान, निशान यानी चिन्ह, यहाँ पर इसका अर्थ झंडे से लिया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। दुनिया में सभी राष्ट्रों में एकता की भावना लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य या जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर उन्नति करें, प्रगति करें, हमारे सबके साथ न्याय ही हो। हमें मानवता की रक्षा करनी है और यही हमारा धर्म भी बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान अर्थात झंडे को लहराएं और पूरी दुनिया में इस तरह अपनी एकता को हम सिद्ध करें कि हम सब एक ही है। यह जगत भी एक है और यह संसार भी एक है और यह धरती भी एक है। इस बात को हम सिद्ध करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।